नमस्कार किसान साथियों, नैनो यूरिया या फिर बोलूं तो नैनो नाइट्रोजन नाम तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। इफको के द्वारा सबसे ज्यादा प्रचार किए जाने वाला प्रोडक्ट और इफको के सीईओ से लेके उसके हर एम्प्लॉय के द्वारा ये कह के प्रमोट किया जाने वाला कि इसकी 500 ml की एक बोतल यूरिया के एक बैग जितना असर करती है। तो क्या दोस्तों वास्तव में ये यूरिया का अल्टरनेटिव है, यानी अब हम यूरिया के बड़े बड़े बैगों को भूल जाएं, उनको पीठ पर लाद के खेत में ले जाने से हमारा पीछा छूट जाएगा और अब हम सिर्फ एक बोतल को पॉकेट में डाल के लेके जाएंगे जैसा कि इफको प्रचार कर रहा है और बस उसका छिड़काव करेंगे और हमारे खेत के अंदर यूरिया की पूर्ति हो जाएगी। सही है ना दोस्तों, उन बड़े बड़े बैगों से हमारा पीछा छूट गया जिनको किसान भाई अपने कंधे पर लाद के खेत में छिड़काव करते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, भले ही इफको ने इसको पॉकेट फर्टिलाइजर का नाम दिया और वाकई में वो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन पूर्ण रूप से हम अभी भी यूरिया फ्री नहीं हो सकते। समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप किसान कृषि से जुड़ी हुई जानकारी को पसंद करते हैं तो हमारे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो जानने वाली बात ये होती है कि इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि इसको इतना प्रभावी बना देता है कि ये एक बैग जितनी नाइट्रोजन पौधे को दे देता है। तो दोस्तों इसको नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया है, इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि यूरिया हमारे खेत में काम कैसे करती है। दोस्तों हम जानते हैं कि एक 50 किलोग्राम के यूरिया के बैग के अंदर 46% नाइट्रोजन आता है, यानी 23 किलो नाइट्रोजन 50 किलो के बैग में आता है। उस 23 किलो नाइट्रोजन में से पौधा सिर्फ 30% अवशोषित कर पाता है, यानी सिर्फ 6.9 किलोग्राम, और बाकी बची हुई पूरी नाइट्रोजन वेस्ट हो जाती है। अभी अगर मैं बात करूं इफको के नैनो यूरिया के बारे में तो ये एक नैनो फर्टिलाइजर है। नैनो फर्टिलाइजर होने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे मीटर होते हैं, फिर उसका छोटा होता है सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर, यानी एक मीटर का एक अरबवा भाग नैनोमीटर होता है। नैनो यूरिया के एक अणु का साइज 32 नैनोमीटर होता है, जो कि यूरिया के एक अणु से 55,000 गुना छोटा है। तो यहाँ पे छोटे होने का फायदा क्या है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि छोटा है। देखो जो चीज़ छोटी होती है वो सरफेस एरिया बढ़ाती है, सरफेस एरिया बढ़ाने से अवशोषित ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो जो छोटे अणु होते हैं उनके कारण पौधा उनको जल्दी अवशोषित करता है और वो वेस्ट नहीं होते हैं। यानी जहाँ पर यूरिया सिर्फ 30% अवशोषित होती है, ये 70-80% तक अवशोषित हो जाता है या फिर इससे ज़्यादा भी हो जाता है। अब अगर हम देखें तो ये 30% अवशोषित हो रहा है और ये 70-80% अवशोषित हो रहा है, जिसके कारण हम ये तो बोल सकते हैं कि एक नैनो यूरिया की ये बोतल एक DAP के बराबर पौधे को नाइट्रोजन दे देती है। और अगर हम यूरिया के बैग और इस बोतल के प्राइस का कंपैरिजन करें तो ये 10% सस्ती भी है, यानी यूरिया का बैग 266 रुपये का आता है और ये 240 रुपये की आती है। तो इसका मतलब तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें एक सस्ता प्रोडक्ट मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं, अभी हम दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं। अभी अगर मैं आपको इफको की रिसर्च के बारे में बताऊं तो इफको का कहना है, और आप इस रिसर्च पेपर में देख भी सकते हैं, कि 50% यूरिया का प्रयोग करके और 2 डोज नैनो यूरिया की डाल के आपके उत्पादन में 8% की बढ़ोतरी कर सकते हो। अगर मैं आपको किसी फसल का उदाहरण देके समझाऊं तो मान लो आप गेहूं की फसल में 2 बैग यूरिया डालते हैं जो कि आएगी 532 रुपये की, और वहीं पर अगर इस 2 बैग की जगह अगर हम 1 बैग यूरिया का डालें और 2 डोज डालें माइक्रो यूरिया की तो हमें पड़ेंगे 746 रुपये। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे को 214 रुपये इस केस में ज्यादा पड़ रहे हैं, यानी नैनो यूरिया के प्रयोग में 214 रुपये ज्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको 8% की बढ़ोतरी मिलेगी। मैं बोलूंगा 8% की तो नहीं मिलेगी, क्योंकि 8% रिजल्ट फील्ड ट्रायल का था जो इफको ने किए थे। फील्ड ट्रायल और किसान की फसल में फर्क होता है। फील्ड ट्रायल में हम किसी भी फसल को टाइम पे उसका वीड मैनेजमेंट यानी खरपतवार का निवारण करते हैं, उसको पानी डालते हैं, लेकिन किसान की फसल में ऐसा नहीं हो पाता है। तो मोटे तौर पे मान सकते हैं कि किसान को 5% की बढ़ोतरी तो होगी। अब अगर आपको 2 बैग यूरिया डालने पर 22 क्विंटल गेहूं मिल रही थी तो मैं ये बोलूंगा कि 1 बैग यूरिया और 2 नैनो यूरिया की डोज डालने पर आपको 23 क्विंटल गेहूँ मिलेगी, यानी 1 क्विंटल गेहूँ ज़्यादा, और उसका मूल्य होता है 1975 रुपये अगर मैं MSP पर बात करूँ तो। अब अगर इस केस की बात करें तो इस केस में हमें 214 रुपये ज़्यादा लगे थे, लेकिन 1975 रुपये का फ़ायदा हुआ था, और मैं नेट फायदे की बात करूँ तो 1761 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया। अब कुछ किसान भाई बोलेंगे कि हम तो खेत में स्प्रे करवाते हैं तो ट्रैक्टर वाला 300-400 रुपये लेता है, और सही बात है लेता भी है, और नैनो यूरिया की स्प्रे भी करनी पड़ेगी। तो मान लो कि मैं इसकी 2 स्प्रे की तो मेरे को 800 रुपये लग गए, फिर भी मेरे को नेट 800-900 रुपये का फ़ायदा तो मिला ही है। यानी अगर मैं खेत के अंदर नैनो यूरिया का इस्तेमाल करता हूं तो एक सीजन की 1 एकड़ की एक क्रॉप के अंदर मेरे को 800-900 रुपये का फ़ायदा होता है, और इसके साथ साथ मैंने वातावरण में होने वाले यूरिया के नुकसान में अपना योगदान आधा कर दिया, क्योंकि मैं अब आधा यूरिया इस्तेमाल कर रहा हूं, 2 बैग की जगह 1 बैग का इस्तेमाल कर रहा हूं,
वातावरण के अंदर यूरिया क्या नुकसान करती है, तो वातावरण में यूरिया ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ती है जिनके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करती है, पानी में नाइट्रिक वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप बोलोगे पानी में नाइट्रिक वैल्यू ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, तो उसका एक उदाहरण है कैंसर एक्सप्रेस जो चलती है बठिंडा से बीकानेर तक। अभी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अभी तक के डाटा के अनुसार ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है। बाकी नया प्रोडक्ट है, इसको हमारी कंपनी है यानी सहकारी कंपनी है, कोऑपरेटिव है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एक पूर्णतः देश में निर्मित प्रोडक्ट है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो यूरिया के इम्पोर्ट को आधा भी करेगा, जिससे हमारे देश के पैसे भी बचेंगे। तो एक बार प्रयोग करना तो इसका बनता है, लेकिन किसान भाइयों याद रखना इसके साथ हमें आधी मात्रा में यूरिया का भी प्रयोग करना है। सिर्फ नैनो यूरिया के इस्तेमाल से हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आधी मात्रा में यूरिया और आधी मात्रा में इसका इस्तेमाल करने पर मिलते हैं। और अगर यहाँ पे मैं फन फैक्ट की बात करूँ तो मोदी जी के जो मंत्री इसको बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं 2022 में फार्मर की आय डबल करने वाले मोदी जी के गोल का, तो मैं उनको ये बोल देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा कदम छोटे रखो, क्योंकि इतने बड़े बड़े कदम अगर एक साल में उठाए गए तो पंजाब के फार्मर की आय दुगनी करने में आपको 108 साल लगेंगे, हरियाणा के फार्मर की आय दुगनी करने में आपको 86 साल लगेंगे और बिहार के फार्मर की आय करने में आपको लगभग 22 साल लगेंगे। और 2022 है वो आने वाली है, उसके 7 महीने बाकी है, यानी हर चीज़ की और एडवर्टीजमेंट, यानी हर चीज़ का श्रेय मोदी जी को लास्ट में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं।